ना, जैसे कि आपको ये दिखा रहा है, मतलब कि डरा रहा है कि मेरे सामने मेरे वीडियो को मत देखिए, आपको मेरे वीडियो देखने से खतरा होगा, तो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार अगले रे। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे वातावरण, ये यूनिवर्सिटी का एक पिछला हिस्सा है अपना। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पहाड़ी इलाका भी है और बहुत बड़ा जंगल भी है। हम लोग जैसे कि जंगल में आते हैं, आपको भी पता है हमने एक फिर से एक सांप पकड़ा है। तो इस सांप थोड़ा अनोखा है आपके दिखाने के लिए। तो पहले आपने शायद ही देखा होगा ऐसा सांप, तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हमारे साथ आगे आगे चलते बात करेंगे। और यहाँ का आप भी खूब अनोखे तरीके से यहाँ का आनंद उठाए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस जंगल को, बहुत सुकून भी है इस जंगल में। तो मतलब कि इतनी दूर आके वीडियो बनाने का भी एक जरिया होता है, मतलब कि एक कुछ ना कुछ खास होता है। तो इसको जो स्नेक है, ये ग्रीन वाइन स्नेक है, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं। जैसे कि हमारे कर्नाटक में कन्नड़ा लैंग्वेज जिसको चिणगी सांप के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में भी लगातार यहाँ पे चिणगी ही बोलते हैं। और ये सांप कहते हैं कि उड़ता है, उड़ने वाला सांप है। जैसे कि इसको पर होगा, और पर रहने की वजह से जैसे कि चिड़िया वगैरह उड़ती है, ऐसा उड़ने वाला नहीं है। इसको मैं आगे आपको जानकारी दूंगा, इसको ओपन करूंगा। पहले आप लगातार मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी पक्का करना। तो मैं इसको अभी ओपन करके भी आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो आप भी देख पाते हैं इसका रंग रूप देखिए, और इसका स्टाइल और जो इसका लाइफस्टाइल है उसको भी आप देखिए। इससे पहले मैं इसको एक अपना मेरा हथियार तैयार कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको पूरी इसके बारे में जानकारी देने की भी कोशिश करूँगा। हथियार तो तैयार है, अभी मैं इसको यहाँ से ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये वाइन स्नेक क्यों है और इसको वाइन स्नेक क्यों बताया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं वाइन स्नेक, चिणगी सांप। इसका जो लाइफस्टाइल है वो आप भी देख पा रहे होंगे, इसी को बोलते हैं इंडियन वाइन स्नेक। जैसे कि आप इसका टंग देख रहे हैं, वाह वेरी नाइस। तो मैं इसको अभी पकड़ने की, यस राइट, ये हम पे कभी भी हमला कर सकता आप है। आप देख पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं वाइन स्नेक। इसका लाइफस्टाइल भी आप देख रहे होंगे, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सामने से भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि ये जो वाइन स्नेक है, ऐसे इसको नाम क्यों रखा गया है और इसको वाइन स्नेक के नाम से क्यों बताते हैं, मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये अपनी जो राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बाइट करने के, इसमें इस सांप को समी विनामस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो जहर होता है वो इंसान के लिए खतरा नहीं होता है और बच्चों के लिए भी बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है। ये सांप काटता तो बहुत है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये काटने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये मुझे अटैक करने के पोजिशन में बैठा है, क्योंकि मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ अभी, मैं इसको जल्दी छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि इसको इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इस वजह से मैं अपना खतरा मोल ले रहा हूँ यहाँ पे। ये कभी भी मेरे फेस पे बाइट करने की फिराक में है, और इसका लेंथ भी आप जैसे कि देख पा रहे हैं। तो जो आप इसके बॉडी का जो ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप, जैसे कि इसमें आपको लाइंस जो दिखाई दे रहे हैं, ये तो हर सांप में होता है, लेकिन इसका जो पैटर्न होता है, जो ये बॉडी का यू शेप में आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यू शेप में इसका पैटर्न आपको दिखाई देगा। और वहाँ से इसकी जो वेंटिलेशन का जो पोजीशन है यहाँ तक, जैसे कि एक ही शेप में आता है यू शेप में, और उसके बाद यहाँ से जिगजैग आता है, जैसे कि फुटबॉल को जो लाइंस रहते हैं उसी की तरह इसका पूरा पोजीशन होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
मैं आपको पूरे खुले तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा। इसका जो ये वेंटिलेशन है, ये वेंटिलेशन है, यहाँ से इसका जो पोजीशन है ये है जो इसका जिगजैग वाला पोजीशन है, इसी के ज़रिए से ये अपने पेड़ में जो पेड़ को पोजीशन करता है वहाँ से ये उसी यस तो ये अपनी ग्रिप बना के छलांग मारने की कोशिश करता है, तो इसके वजह से इसको कहा जाता है उड़ता हुआ सांप, इसी के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो अपना पोजीशन बना रहा है तो लगातार ये मुझे गुस्से में देख रहा है और इसकी बॉडी को भी फुला रहा है। यस, तो ये जो अपनी बॉडी को फुला रहा है इसके वजह से ये हमें बता रहा है कि मैं आपसे बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ो कहने की ये बात मुझसे कर रहा है। तो मैं इसको जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी वीडियो ख़त्म करके छोड़ने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं इसको नीचे रख के आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे चेतावनी दे रहा है। जैसे कि आप इसका जो बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हैं, इसका ग्रिप बना के इतना बैठा है मेरे सामने अपोजिट में कि ये मुझे चेतावनी दे रहा है कि मुझे छेड़ो नहीं, कि मैं आपसे बड़ा हूँ, अगर मुझे छेड़ेंगे तो मैं कभी भी आपसे बाइट कर सकता हूँ। तो मैं इसको इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे कि आप उसका फेस भी देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सांप है, मुझे अभी ये बाइट करने के फिराक में तो पक्का है, अगर से इसको मैं फेस के सामने लूँगा तो ये मुझे पक्का बाइट करेगा। और ये साइज हमें ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलते, ये तो फीमेल है इस वजह से इतना बड़ा है, इसमें मेल जो होता है वो बहुत छोटा आता है। और इसकी जो उम्र है वो 10 से 15 साल की दिखाई जाती है, जैसे कि हम लोग भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वही जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मतलब देखे ये बाइट करने के पोजीशन में है, और जो इसका बॉडी का आप जो डॉट्स वगैरह देख रहे हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो वाइट भी आ रहा है और ब्लैक भी आ रहा है, और इसके बॉडी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक येलो वाली लाइन भी दिखाई देगी आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सामने से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो येलो लाइन आती है ये हर सांप में नहीं पाया जाता, किसी किसी सांप में पाया जाता है। और जैसे कि आप इसका फेस भी देख पा रहे होंगे, मैं इसके टीथ भी दिखाने की आपको कोशिश करूंगा, और जो इसका जो फेस होता है इसको बोलते हैं तूतन, जैसे कि आपको ये दिखा रहा है मतलब कि डरा रहा है कि मेरे सामने मेरे वीडियो को मत देखिए, आपको मेरे वीडियो देखने से खतरा होगा, तो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा आपको। जैसे कि ये आपका फेस जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं तूतन, इसी के सामने जो इसका नाक का होल होता है और जो उसकी जबान होती है उसी से स्मेल कोशिश करता है कि सामने पहचानने की इंसान को कि इंसान है या सामने परिंदा है या जानवर है या मेरी खुराक है या कोई मुझसे खतरा करने वाला कोई है, तो इसी से पहचान करता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसकी आंख, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी आंख जो देख पा रहे हैं ये एकदम राउंड है, राउंड होने के बावजूद इसमें जो ब्लैक लाइन आपको आड़ी दिखाई दे रही है, जैसे कि इस शेप में जो दिखाई दे रही है, इसी ऐसे सांपों में जो है सेमी विनामस सांपों में जो है ये ऐसी लाइन दिखाई देगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो फुल क्रॉस है इसी को बोलते हैं सेमी विनामस। अगर से ये स्ट्रेट हो ऐसा खड़ा हो जो ब्लैक लाइन है ऐसा खड़ा हो तो उसको बोलते हैं विनामस स्नेक, जैसे कि हमारे स्पेक्टिकल कोबरा है, जैसे कि रसल वेपर है, इसी को बोलते हैं जो खड़ा होता है आंखों को पहचान वही होती है। तो जैसे कि इस सांप में है ये सेमी विनामस है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे एक और अच्छी बात दिखाने वाला हूँ, जैसे कि अभी वीडियो में मैं जितनी जानकारी दिया मेरे ख्याल से ये आपको जितनी मेरे पास इसके बारे में जानकारी थी उतनी तो मैं कोशिश करके दे दिया। और इसके मैं आपको दांत भी दिखाऊंगा जो दांत इसके कैसे होते हैं, तो इसको थोड़ी देर में पहले नीचे छोड़ूंगा और उसको आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा। ये देखिए आप, ये इस तरीके से पेड़ों पे भी अपनी ग्रिप बनाता है, क्योंकि जो यहाँ पे जिगजैग जो मैंने लाइन दिखाए थे आपको इसकी बॉडी के, तो इसी तरीके से ऊपर से नीचे लेके पेड़ पे भी ऐसे ही अपने पोजीशन बना के पकड़ बैठता है। और इसके सामने कोई परिंदा या तो चिड़िया वगैरह आने के बाद ये इस तरीके से बैठ करके उसको खाने की कोशिश करता है। तो देखिए जैसे कि ये पेड़ देखने के बाद जा रहा है, तो ऐसे ही पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने की कोशिश करता है, इस वजह से इसको उड़ता हुआ सांप भी कहते हैं, इसी को बोलते हैं इंडियन वाइन स्नेक।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसी को बोलते हैं इंडियन वाइन स्नेक। तो मैं इसको अभी थोड़ा और थोड़ी देर, जो इसके जो टीथ है वो जैसे कि आपको दिख रहे होंगे शायद, इस एंगल से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है दो तरीके के इसके जबड़े आते हैं, मतलब कि ये पूरा गैप होता है, इसमें बीच में हड्डी नहीं होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बीच में इसमें हड्डी नहीं है। ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है इसका ये सांस लेने का कोश है, मतलब कि यहाँ पे ये कुछ भी खाता है तो इसके ज़रिए ये हवा लेता है, सांस लेता है। और ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे इसके टीथ है, जो नीचे से आपको तीन दिखाई दे रहे हैं उधर से, और ऊपर से लगभग 8 से 10 दांत दिखाई दे रहे हैं। और इसके जो वेनम के, मतलब के सेमी वेनमस में तो इसका नाम लिखा गया है, जो इसके वेनम के दांत होते हैं ये और भी अंदर होते हैं, मतलब कि ग्रिप पकड़ने के लिए ये दांत होते हैं। और जहर जो चिड़िया और जैसे कि छिपकली और गिरगिट इसको खाने के लिए इसके दांत अलग होते हैं। और इसके जहर से मतलब कि पैरालिस अटैक होता है, उसके बाद ये उसको खा लेता है, मतलब कि अंदर सेवन कर लेता है। और ये सांप इंसान को बाइट करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो सेमी वेनमस में जहर है ये इंसान को कुछ खतरा करने के जैसा। और मेरे यूट्यूब चैनल को लगातार देखते हुए लाइक और शेयर कमेंट पक्का करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जितने भी आपके घरों के आसपास में जो भी सांप आता है, जो जैसे कि विनामस हो नॉन विनामस हो, उसको मारे नहीं कोई भी। जब भी आपको खतरा लगे आपके घरों के आसपास में, हमें आप तुरंत कॉल कर लीजिए, हम लोग आपके सर्विस के लिए 24/7 डेज अवेलेबल होते हैं। तो इसको अभी मैं यहाँ पे रिलीज करने वाला हूँ, रिलीज का एक आपको मैं पार्ट दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरीके से पेड़ पे अपनी पोजीशन बना के चलता है। तो आप नज़र जमाए रखें, क्योंकि ये अभी पेड़ पे जाने वाला है, लास्ट पोजीशन है, तो इस वजह से मैं इसको अभी यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ। तो ये अपनी पकड़ किस तरीके से बनाता है और ये किस तरीके से पेड़ पे जाता है, तो मैं यही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, लगातार देखते हुए इस मेरे वीडियो को शेयर पक्का करना, और कुछ भी चूक हुई हो तो हमें कमेंट भी करके बताना। और जैसे कि देख रहे हैं सांप अभी फ्री प्लेस में है, जैसे कि यहाँ पे रहने के बाद इसको खाना भोजन और इसका जो रहन सहन है यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलेगा। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे अभी इस फॉरेस्ट में इसको ला के छोड़ा हूँ अभी। तो ये इस पर्यावरण में बहुत खुशहाल के साथ इसकी ज़िंदगी बिताएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, चलते हुए हम इसको अलविदा कहते हैं। मेरे वीडियो का यही ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार गेड़े रे।